हेलो जी, कैसे हो आप? श्याम बाबा की कृपा से। देखिए, दही चटाई हुई है, मक्खन दही खाए हुए हैं, आपको दिखा रही हूँ। और श्याम बाबा की कृपा से आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको फ्रूट रायता बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी भी खाएंगे फ्रूट रायता। आज मैं कान्हा जी के लिए फ्रूट रायता बना रही हूँ, और इसके आलू के साथ आपको सिखा रही हूँ बनाना। आप देखना, ये देखिए, ये हमने आलू ले लिया है आधा पीस। ज़्यादा बनाएंगे तो आप एक पीस ले सकते हैं, उबला हुआ आलू है। और दो सेब ले लिए, थोड़ा सा अंगूर ले लिया है। इनको हम एकदम छोटा छोटा काट लेंगे, एकदम छोटे छोटा काट लेंगे इस देखिए। और ये हमने साथ में ये हमने दही ले ली है, और ये एक कप हमने दूध ले लिया है ठंडा करके। गरम दूध मत डालना, क्योंकि दही में गरम दूध डालेंगे तो फट जाएगा। मान लीजिए हमने एक कप अगर दूध लिया है, तो आधा कप हम इसमें पीसी हुई चीनी डाल देंगे, या खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 मिनट में घुल जाती है। हम पीसी हुई चीनी डालेंगे, जिसको बूरा बोलते हैं। तो आइए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने ये फ्रूट काट लिया है। इस समय अच्छा नहीं आ रहा उतना फ्रूट, देखिए हमने काट लिया है। और ये हमने अंगूर भी काट लिया है दो बाग में। इसको हम इसके साथ मिला देंगे। हमने दही जो ली है वो फेट ली है, दही को जो दही ली थी वो हमने फेट चुके हम दही को। देखिए एकदम, ये देखिए ऐसी दही होनी चाहिए, ये हम फेट चुके हैं। फटी फटी दही नहीं होनी चाहिए, साफ दही होनी चाहिए, मीठी दही होनी चाहिए एकदम। खट्टा जावन डाल देंगे ज़्यादा जोर, तो वो खट्टी हो जाएगी। मीठी होनी चाहिए दही, ये देखिए एकदम मीठी दही है दूध की तरह। फिर भी हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए, ये हम फ्रूट में ये पूरा दही इसमें डाल देंगे। आपको दिख रहा होगा, हमने पूरा दही इसके अंदर डाल दिया है। और इसको दही को डाल के हम इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे। ये डाल दिया है, अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। ये देखिए, ये हमने दूध लिया था एक कप, वो दूध डाल दिया है। ये देखिए दूध भी डल चुका है हमारा इसके अंदर। अब हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप देखना, देखिए पूरा एकदम तैयार हो गया है। और इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये देखिए, हम इसके अंदर अब ये चीनी डाल रहे हैं पिसी हुई। ये देखिए पूरी साफ है एकदम, सफ़ेद रंग की जो बूरा होती है वही डाल रहे हैं। आपको कम मीठा पसंद हो तो कम डाल लेना, आधा कप जैसे दूध के हिसाब से आधा कप जरूर डालनी चाहिए इसके अंदर। ये देखिए, और ये हमने कटे हुए आलू थे उबले हुए, वो डाल रही हूँ। ये देखिए आलू हमने डाल दिए हैं। ये देखिए आलू, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा मिल चुका है। इसमें आप अनार डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो अनार है नहीं, इसीलिए मैंने अनार नहीं डाला है। ऊपर से आप अनार डाल सकते हैं इसमें। ये पूरा अब मिल चुका है, ये देखिए पूरा मिल चुका है ये। ये देखिए आप कितना अच्छा, देखिए
पूरा खाने का भी आपका मन करता होगा। ये देखिए पूरा बढ़िया बन चुका है। अब हम कान्हा जी का भोग लगा देते हैं। पहले मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। ये देखिए ये हमारे कान्हा जी बैठे हैं, स्लेब पे बिठा रखे हैं उनको। ये देखिए पहले इन्हीं को ही चटाती हूँ। कोई भी चीज़ होती है पहले कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। देखिए बोलिए राधे 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 राधे। आप भी प्रसाद खाइए। आप कान्हा जी को बहुत पसंद है फ्रूट का रायता। देखिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना। जय राम जी की। राधे 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 राधे।